दोस्तों, लंबी बैटरी तो हम सभी को चाहिए अपने फ़ोन में, लेकिन क्या आप जानते हैं अपनी जो बैटरी मिलती है उसको कैसे सेव कर सकते हैं? अगर आप वीडियो देखते रहिए और मैं आपसे इसी के बारे में बात करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों देखिए, बैटरी तो हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम रात को चार्ज करते हैं अपना फ़ोन और सुबह हम देखते हैं तो हमारे फ़ोन में 100% होती है, लेकिन जब हम धीरे धीरे उसको दिन में अपना फ़ोन को हम यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे जो है बैटरी कम होने लगती है, और रात तक हमें वापसी पे जब हम चार्जिंग पे लगाते हैं रात को तो हमें मुश्किल से 16% या कभी कभी 20% तक बैटरी जो है मिलती है। कई बार उससे कम भी मिलती है, कई बार ज़्यादा भी जो है मिल जाती है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी बैटरी को कैसे जो है सेव कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी यूटिलाइजेशन मिले। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, जो सबसे पहली बात है वो है कि अपने जैसे सपोज़ किया कि आपने किसी को ब्लूटूथ से कोई फाइल सेंड करी है या आप नेट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप घर के बाहर जाते हैं और आप वाईफाई से डिसकनेक्ट हो जाते हैं तो अपने फ़ोन में जो वाईफाई है उसको ऑफ़ कर दीजिए, ब्लूटूथ है उसको ऑफ़ कर दीजिए जब किसी को फाइल वगैरह जो है सेंड हो जाती है। और दोस्तों, जब अगर आप डेटा यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप कहीं बिजी हैं और आप मोबाइल डेटा भी यूज़ नहीं कर रहे, तो अपना मोबाइल डेटा को जो भी है आप ऑफ़ कर दीजिए, क्योंकि वो सब बहुत ज़्यादा बैटरी जो है आपकी कंज्यूम कर लेते हैं। दोस्तों फिर यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है कि आप जो ऑटो अपडेट्स पे जो ऐप आप ऐप्स लगा देते हैं उसको भी बंद कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे आईफोन में और ऐप स्टोर पे जाएंगे तो आपको मिलेगा कि ऑटो अपडेट की एक ऑप्शन जो आपको मिल जाएगी, तो उसको आप जो है ऑफ़ कर दीजिए। वरना क्योंकि वो जैसे ही आप अपना वाईफाई से कनेक्ट होंगे तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप बाहर जाए और अगर डेटा आपका अगर आपका ऑन है तो आपके जो ऐप्स हैं वो ऑटोमेटिकली जो है अपडेट्स होने लग जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा जो है बैटरी खाएंगे और आपका डेटा कंज्यूम भी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो दोस्तों ऑटो अपडेट्स को जो है ऑफ़ कर दीजिए। फिर दोस्तों जो तीसरा अपडेट निकल के आता है कि अगर आप जो हमें कई फ़ोन्स में जो मिलती है, सैमसंग के फ़ोन में वो पानी वाली ट्यून मिलती है और कईयों के फ़ोन में जैसे आईफोन में लॉक अनलॉक के लिए और जो ट्यून मिलती है और जो वाइब्रेशन मोटर्स वगैरह हैं वो सब जो है वाइब्रेशन की ऑप्शन और साउंड की ऑप्शन जो है अब ऑफ़ कर दीजिए। मतलब जो आपको जो नई रिक्वायरमेंट, जैसे कि हम सैमसंग या किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन पर टच करते हैं, जैसे ही हम किसी ऐप पर क्लिक करते हैं तो वो टक टक साउंड करता है, तो उसको जो है आप प्लीज़ बंद कर दीजिए ताकि जो आपकी बैटरी है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर पाएँ। उसके बाद दोस्तों जो वाइब्रेशन मोटर्स हैं उनको जो है वाइब्रेशन को ऑफ़ कर दीजिए, क्योंकि जो वाइब्रेशन इंजन है, जो टैप्टिक इंजन होता है, वो बार बार वाइब्रेट होएगा तो आपकी बैटरी को ज़्यादा कंज्यूम वो है करेगा। फिर दोस्तों जो अगला अपडेट आता है वो है कि आप जो अपनी फ़ोन की, जिन लोगों को ब्राइटनेस बढ़ाने के शौक़ है वो जो है उनको थोड़ा कम कर देना चाहिए ब्राइटनेस वगैरह को, और जो ऑटो ब्राइटनेस है उसको भी काम में नहीं लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कई लोग समझते हैं कि ऑटो ब्राइटनेस से जो है बहुत ज़्यादा जो है उनको फ़ायदा हो जाता है, कि उनको बार बार ब्राइटनेस जो है एडजस्ट नहीं करनी पड़ती, लेकिन दोस्तों हमें ये सोचना चाहिए कि जो ऑटो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा बैटरी जो है कंज्यूम कर लेता है, क्योंकि दोस्तों वो जैसे ही बाहर जाएंगे सनलाइट में तो ब्राइटनेस एकदम से फुल हो जाएगी, और जैसे ही डार्क आएंगे तो ब्राइटनेस जो है कम हो जाएगी। तो इससे अच्छा जो है ऑटो ब्राइटनेस को आप ऑफ करके मैनुअली जो है ब्राइटनेस जो है एडजस्ट कर सकते हैं अपनी नोटिफिकेशन बार से या आईफोन में कंट्रोल सेंटर से जो है अपनी ब्राइटनेस को आप एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि दोस्तों आपकी जो बैटरी है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको मिल जाए ताकि आप उसको अच्छी तरह यूज़ कर पाएँ। उसके बाद दोस्तों जो अगला अपडेट आता है वो है स्क्रीन ऑन टाइम को लेके, कि दोस्तों जो हम जानते हैं कि स्क्रीन जो है, हम सपोज़ कि आप कुछ लंबा मैसेज पढ़ रहे हैं तो आपको ज़रूरत होती है कि स्क्रीन जो है बार बार बंद ना हो, लेकिन दोस्तों उसको बढ़ा उसको घटा देना चाहिए हमें, और उसको घटा के आपको 15 सेकंड जो है 15 सेकंड या 20 सेकंड 30 सेकंड तक रखना चाहिए, उससे ज़्यादा हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा बैटरी जो है कंज्यूम करेगा। जब तक स्क्रीन ऑन रहेगी वो बहुत ज़्यादा जो है बैटरी कंज्यूम कर लेगा, तो दोस्तों उसको भी जो है ऑफ़ कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों जो अपडेट आता है वो है बैकग्राउंड डेटा को लेके और नोटिफिकेशंस को लेके, तो आपको जो आपका बैकग्राउंड डेटा है आपके फ़ोन वगैरह में, जो आपका बैकग्राउंड में भी जो है ऐप्स चलते रहते हैं उसको भी आपको जो है ऑफ़ कर देना चाहिए, और जो नोटिफिकेशन है उसको भी आपको कम कर देना चाहिए। आप नोटिफिकेशन सिर्फ उन ऐप्स के लिए जो है ऑन रखें जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं और आपको जो लगता है कि हाँ कि इसकी मेरे को नोटिफिकेशन जो है आनी चाहिए,
जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे व्हाट्सएप हो गया या कुछ हो गया, लेकिन बाकी यही जो ऐप्स होते हैं उनका जो नोटिफिकेशंस का सिस्टम है उसको आप जो है ऑफ़ कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद जो आता है अपडेट वो है ओरिजिनल चार्जर्स को लेके, केबल्स को लेके, वायर्स को लेके। दोस्तों आपको जो है ओरिजिनल एसेसरीज यूज़ करनी चाहिए, ओरिजिनल चार्जर और केबल्स वगैरह अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए, क्योंकि जो डुप्लीकेट चार्जर, जो फेक चार्जर होते हैं वो आपके बैटरी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। कई बार तो बैटरी मतलब ज़्यादा ख़राब होने के भी चांसेस होते हैं, ताकि आपको रिप्लेसमेंट कराना पड़े। और दोस्तों आज की डेट में जितने फ़ोन आते हैं सबकी बैटरी तो है सील्ड होती है, तो बैटरी मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है हर एक फ़ोन के लिए। दोस्तों अगला जो अपडेट आता है कि जो सैमसंग के फ़ोन्स में या आपको बाकी कुछ फ़ोन्स में जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है उसको भी जो है आप ऑफ़ कर दीजिए। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से जो है दोस्तों वो कहने की बात है कि आपकी बैटरी कम कंज्यूम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा जो है बैटरी कंज्यूम करता है, क्योंकि बैकग्राउंड में तो आपकी स्क्रीन चल रही है, इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा बैटरी को जो है कंज्यूम कर लेता है दोस्तों। उसके बाद जो अपडेट है वो है कि अगर आपके फ़ोन में डार्क मोड या डार्क मोड वगैरह है, या फिर अपना लो पावर मोड है जैसे आईफोन्स में, तो आप उसको काम में लीजिए, ताकि जो आपकी बैटरी कम हो। अगर दोस्तों आपके स्क्रीन आपके फ़ोन में अगर ओलेड स्क्रीन है तो वो बहुत ज़्यादा बैटरी खाता है, तो आपको एक मैं चीज़ सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन है जिसमें ओलेड स्क्रीन है, तो आप एक प्लेन ब्लैक कलर का जो है वॉलपेपर रखिए। मेरे को तो पता है ये डल लगेगा, लेकिन ये बहुत ही काम का है, और जितने भी दोस्तों लाइव वॉलपेपर थे उनको भी आप प्लीज़ सेट पर करिए, वो बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे को पता है मेरे पास आईफोन है, और उसमें मैंने एक दो बार जो है पहले लाइव वॉलपेपर ऑन कर रखे थे, लेकिन आपको लाइव वॉलपेपर जो है यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लाइव वॉलपेपर बहुत ज़्यादा बैटरी खाते हैं। और दोस्तों जो अगली बात मैं आपको बताऊँ, तो जितने भी मोशन फीचर मिलते हैं जैसे राइज टू वेक, या फिर अगर आप अपना हाथ घुमाएंगे तो फ़ोन ऑन हो जाएगा, हाथ हवा इसके ऊपर लेकर आएंगे तो फ़ोन जो है ऑन हो जाएगा, वो सब आपको जो है बंद कर देना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा जो है बैटरी खाता है। 3D टच हो गया, वो भी बहुत ज़्यादा बैटरी खाता है, क्योंकि दोस्तों मेरे घर में के पास 7 Plus है, और मेरे पास 7 है, और मैंने 3D टच ऑन करा हुआ है और उन्होंने नहीं करा हुआ, तो उनकी जो बैटरी है मेरे फ़ोन से ज़्यादा चलती है। उसके बाद दोस्तों जैसा कि है कि तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।